दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दो लोगों को गोल्ड स्मगलिंग के मामले में पकड़ा है। इसमें से एक ने खुद को कांग्रेस सांसद शशि थरूर का निजी सहायक यानी पीए बताया है। दोनों शख्स के पास से कस्टम अधिकारियों ने करीब 500 ग्राम सोना बरामद किया है। हालांकि इस मामले में शशि थरूर की सफाई भी आ गई है। उन्होंने बताया कि स्मगलिंग के पकड़ने वाला शख्स फिलहाल उनके यहां काम नहीं करता है। वहीं न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिल्ली कस्टम विभाग ने 29 मई को शक होने पर दो लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों के पास से करीब 500 ग्राम सोना मिला। पकड़े गए शख्स में से एक की पहचान शिव कुमार के तौर पर हुई। शिव कुमार ने दावा किया कि वह कांग्रेस नेता शशि थरूर का पीए है। कस्टम अधिकारी आरोपी से आगे की पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में कस्टम विभाग का बयान भी सामने आया है। विभाग ने कहा कि संदेह आधार पर आईजीआई एयरपोर्ट पर एक शख्स के खिलाफ गोल्ड स्मगलिंग की तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। वह 29 मई को फ्लाइट GT-323 से बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था। जांच में एक शख्स और है। वह यात्री को लेने एयरपोर्ट आया था और तस्करी में भी मदद की। जांच करने पर 500 ग्राम की सोने की चेन बरामद हुई। जांच में पता चला कि आरोपी के पास वैध एरोड्रम एंट्री परमिट था। संसद सदस्य के लिए प्रोटोकॉल टीम के एक हिस्से के रूप में रिसीवर के एरोड्रम एंट्री परमिट हासिल करने की परिस्थितियों की जाँच की जा रही। बरामद किए गए सोने की कीमत 25.22 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई जारी की है। शशि थरूर ने कहा कि वह चुनाव प्रचार के लिए धर्मशाला में है। इस दौरान उन्हें उनके स्टाफ के एक पूर्व सदस्य से जुड़ी घटना के बारे में सुनकर झटका लगा है। पकड़ा गया शख्स उनके पास एयरपोर्ट सुविधा सहायक के तौर पर पार्ट टाइम काम करता था। दिल्ली एयरपोर्ट में हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में आगे बताते हुए शशि थरूर ने कहा कि वह 72 साल का सेवानिवृत्त व्यक्ति है जो लगातार डायलिसिस करवाता है। आरोपी को अनुकंपा पर अंशकालिक आधार पर रखा गया है। मैं किसी भी गलत काम का समर्थन नहीं करता हूं। मैं मामले की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों का पूरा समर्थन करता हूं। कानून को अपना काम करना चाहिए। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।